हेलो, काफी सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैं डोसा कैसे बनाती हूँ और उसका रेसिपी क्या है, क्योंकि बाहर जो बैटर मिलता है उससे काफी अलग रहता है हमारा बैटर, डोसा के लिए भी और इडली बैटर के लिए और चाय या बड़ा बैटर के लिए। तो मैं आज अभी सिचुएशन ऐसा है कि लोगों को बुला के मैं दिखा नहीं सकती, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आप उसके बाद आप लोग उसको रिफर करके, चाहे जितनी बार आपको देखना पड़े ये वीडियो देख के, आप डोसा बैटर, इडली बैटर एंड वड़ा वाला बैटर भी बना सकते हैं। सो लेट्स सी हमें मेजरमेंट्स कैसा लेना है। डोसा का मेजरमेंट्स दिखा रही हूँ मैं अभी। सो जो मेजरमेंट्स है ना, मैं इस कप से लेती हूँ हर बार। आप इस कप की जरूरत, मतलब जरूरी नहीं आपको यही लेना है, आप जो भी कप लेते हैं उसके हिसाब से आपको रेशियो डालना है, ठीक है। अभी देखते कितना इस कप से उड़द दाल हमें यूज करना है एंड कितना ज्यादा हमें राइस भी यूज करना है। चलिए देखते। मैंने एक कप उड़द धुली हुई दाल लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें राइस लेना है। राइस भी मैं इसी कटोरी से ही मेजरमेंट्स लेती हूँ। कप से आपको 4 टाइम्स राइस इतना ही लेना है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर तक नहीं, थोड़ा सा नीचे 4 टाइम्स डालना है इस कप से आपको। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, फोर्थ वन, ठीक है। मतलब एक कप का उड़द दाल, 4 कप, ये किंकी चावल होते हैं, ये किंकी चावल है, क्योंकि जब आपको मिक्सी में करना हो या वेट ग्राइंडर में करना हो, ये अच्छे से बिल्कुल मतलब बिल्कुल सॉफ्ट आता है आपको जो बैटर आता है। मैंने 2 स्पून्स मेथ्रे सीड्स भी लिए हैं, ये भी आपको उस राइस मतलब किंकी चावल उड़द दाल के साथ ही इसमें भी पानी में भिगोना है। मैंने 2.5 स्पून्स ये चने की दाल होती है, कच्चे के चने दाल, चने की दाल है ना, चने की दाल होती है, ये भी आपको इसमें ऐड करना है। ये हमारा डोसा बैटर का ना सब कुछ मैंने इसमें मिला दिया। अभी इसको अच्छे से वॉश करके हमें भिगोना है एटलीस्ट 2 आवर्स तक, उसके बाद हम वेट ग्राइंडर में डालेंगे। और उससे पहले एक और इंग्रेडिएंट इसमें हमें डालना है, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। अभी हम इडली बैटर के लिए ये उड़द दाल में मेजरमेंट्स दिखा रही हूँ। 1 कप उड़द दाल, इसमें आपको राइस कुछ भी नहीं मिलाना, इसके लिए अलग सी इडली रवा करके एक आता है, तो वो भी अभी आपको मैं भी मेजरमेंट्स दिखा देती हूँ वो कितना है, 1 कप का वो कितना आपको रखना है। ये इडली रवा है, ये बिल्कुल देखने में सूजी की तरह ही रहता है, पर ये सूजी नहीं है। सो 1:5 रेशियो के हिसाब से आपको लेना है इडली के लिए। तो ये फर्स्ट कटोरी, ठीक है, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ठीक है। ये आपको सिर्फ 5 कप्स लेना है एंड 1 कप उड़द दाल, इसको भी आपको पानी में ही थोड़ा सा भिगो के रखना है एटलीस्ट 1/2 आवर। ये वड़ा के लिए मैं भिगो रही हूँ। वैसे वड़ा बनाने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ आपको उड़द दाल की जरूरत है, तो कि आप इसी का ही वड़ा बनता है। मैंने 2 कप्स वड़ा के लिए भिगोया। लेट्स सी, ये भीगने के बाद पानी में थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स इसको भी आपको भिगाना होगा। उसके बाद आपको वेट ग्राइंडर में मैं पेस्ट भी कैसे बनाना है, उसमें कितना पानी डालें, वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूँ। वेट ग्राइंडर मैंने बिल्कुल साफ करके रखा है। अभी मैं पहले ना इसमें वड़ा बैटर डालूंगी, उसके बाद इडली बैटर एंड उसके बाद डोसा बैटर। बीच बीच में ना आपको टेक्सचर चेक करना है, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं करना हमें टेक्सचर,
बारीक करने में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप वड़ा बनाओगे वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी आएंगे। और पानी भी बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें। मैंने वेट ग्राइंडर अभी ना बंद कर दिया, तो आपको बैटर अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कब इसको बंद करना है और कितना पानी डालना है। मैंने 2 कप वड़ा बैटर के लिए भिगोया था ना, उसके लिए मैंने 40 या 50 ml की करीब मैंने पानी इसमें डाला है। और आपको कब ये पता चलेगा वड़ा बैटर अब ये खत्म हो गया, इसमें से निकालना है। देखिए मैं छोटा सा ड्रॉप इसमें डालूंगी और वो थोड़ा सा फ्लोट करना शुरू करेगी। देखिए बिल्कुल ये ऊपर आ गया ना, सो देखिए ये बिल्कुल ऊपर आ जाता है, सो दैट मीन्स ये अभी ये फ्लोट करे, नीचे नहीं जा रही ना, तो बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट हो जाता है बैटर, तब आपको निकालना है। और यही एक निशानी है वड़ा बैटर का। मैंने पूरा वड़ा बैटर इसमें बॉल में निकाल लिया है, ये पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अब मैं इसमें ना इडली बैटर के लिए डाल रही हूँ, सिर्फ जो इसके लिए भी हमने उड़द दाल रखा था, पर इसके लिए मैं पानी भी अभी दिखा देती हूँ कितना हमें इसमें यूज़ करनी चाहिए। मैंने इसमें इडली के लिए जो भिगोया ना, वो उड़द दाल भी मैंने इसमें डाल दिया। जिस पानी में मैंने भिगोया है ना, ये मेरे ख्याल से 300 ml होगा, 350 ml होगा, ये भी अंदाज़ा से ही मैंने एक्सपीरियंस से ही डाल रही हूँ। ये पूरा पानी इसमें जिसमें भिगोया है ना, वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। इडली बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्लफी भी हो गया। मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। सो अभी ये निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। सो मैं ये भी एक बॉल में निकाल देती हूँ, एंड जो इडली रवा हमने अलग से भिगो के रखा है वो भी हमें मिलाना है इसमें ये निकालने के बाद। इडली बैटर है जो मैंने निकाला है बाउल में, एंड ये है इडली रवा पानी में जो मैंने भिगोया है। अभी मैं ये थोड़ा सा स्क्वीज करके बिल्कुल सॉफ्ट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। बात ये ना, ये सब कुछ हमें हाथ से ही करना पड़ता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्टली स्क्वीज करना है एंड इसके बाद इसमें डालना है। मैंने सारा इडली रवा स्क्वीज करके इसमें डाल दिया। अब इसको ना थोड़ा सा अच्छे से मिला के हमें साइड में रखना है। मैंने बैटर अच्छे से मिला लिया और उसका टेक्सचर अब ऐसे बन गया। इस बैटर को कम से कम आपको 14-15 घंटा रखना पड़ेगा, क्योंकि विंटर सीजन्स में फर्मेंटेशन बहुत लेट होता है। डोसा बैटर का ये हमने सब कुछ भिगोया हुआ है और अभी लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड कर रही हूँ ये है पोहा। सो ये आधा कटोरी लिया मैंने, एक कटोरी भी डाल सकते हो। ये पोहा हम इसीलिए ऐड करते, इससे ना रेडनेस आता है और क्रिस्पीनेस भी होती है डोसा का। सो मैं ये ऐड कर रही हूँ। जस्ट 5 मिनट के बाद ये मिक्सी में और या वेट ग्राइंडर में डालने का ये रेडी हो जाएगा। बस सिर्फ 5 मिनट ये पोहा पूरा वेट वेट हो जाएगा एंड डबल का साइज हो जाएगा, उसके बाद हम वेट ग्राइंडर में डालेंगे। सो डोसा बैटर इज ऑल्सो रेडी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ स्टफ बैटर कैसा है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। सो अब ये निकालने के लिए बिल्कुल तैयारी भी हो गया एंड थोड़ा सा मैं इस बॉल में निकालने भी लगी हूँ। सो लेट मी कंप्लीट माई वर्क। सो बैटर मैंने निकाल दिया, डोसा बैटर, ये भी हम एटलीस्ट 15 आवर्स के लिए ये क्लोज करके रखेंगे, तभी अच्छे से ये फर्मेंटेशन हो जाएगा। सो आई विल कीप इट असाइड। जैसे टोमेटो चटनी बनाने का प्रोसेस मैं आज आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 किलो टोमेटो लिया है, बिल्कुल अच्छे से वॉश करके रखा है, और कड़ी पत्ता भी लिया है, और 12 ग्रीन मिर्ची लिया है मैंने। अगर किसी को ज़्यादा मिर्चा खाना है तो फिर 2 या 3 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, एंड 2 स्पून्स जीरा लिया है। चलिए देखते हम ये प्रोसेस कैसा होता है। 4-5 स्पून्स मैंने ऑयल डाला है रिफाइंड, वो बिल्कुल गर्म होने के बाद उसमें हमें जीरा डालना है।
मैंने उस पर कट करके मिर्चा भी डाल दिया हाफ हाफ कट करके। उसके बाद थोड़ा सा एक मिनट के लिए फ्राई करना है, मिर्चे फ्राई हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद टेस्ट अच्छा आएगा, कच्चापन नहीं रहेगा। ग्रीन मिर्ची बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम कड़ी पत्ता इसमें डाल देंगे। मैंने टोमेटोज को बिल्कुल छोटे छोटे चॉप किया है, अभी हमें वो इसमें कढ़ाई में डालना है। ये कड़ी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो गया है। एक्चुअली मैं इस टोमेटो चटनी में ना दो तरीके की बनाने वाली हूँ, एक मैं नारियल ऐड करूंगी, एक बिना नारियल का बनाऊंगी। मैंने टोमेटोज ऐड कर दिया, इसको एटलीस्ट 15-20 मिनट हमें लो फ्लेम में रखना है, सो दैट टोमेटो अंदर से अच्छे से पक जाएगा। ये अच्छे से ऐसा बन जाएगा। अब मैंने गैस भी बंद कर दिया, इसको ठंडा करने के लिए एटलीस्ट मैं हाफ एन आवर साइड पे रख दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा वो मिक्सी वाला प्रोसेस भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये मूंगफली चटनी का तैयारी चल रही है, उसके लिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली लिया है और इसमें भी 12-13 ग्रीन मिर्ची लिया है। हमें इन दोनों को फ्राई करना है। पहले हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल गर्म हो गया है बॉल, तो मैं इसमें डाल के आपको ना थोड़ा सा धीरे धीरे स्टिर भी करना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है। तेल बिल्कुल गर्म हो गया, इसमें हम अलग से ग्रीन मिर्ची फ्राई करेंगे। ये भी लो फ्लेम में ही करना है आपको। जैसे कि अभी ये हो गया, इसको हम एक कटोरे में शिफ्ट करेंगे। जो फ्राई हुए मिर्चा मैंने इस कटोरे में रखा है और इसी ऑयल में मैं तड़का भी लगाने वाली हूँ। उसके लिए मेरे को जीरा और राई की जरूरत है और कड़ी पत्ता की भी जरूरत है, मैंने वॉश करके रख दिया। थोड़ा सा उड़द दाल, गोल्डन ब्राउन आने के बाद आपको कड़ी पत्ता डालना है इसमें। कुछ लोग रेड ड्राई मिर्ची भी डालते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, मेरे को आदत नहीं है। ऑलरेडी मैंने ग्रीन मिर्ची डाल दिया ना, उसकी वजह से मैंने रेड मिर्ची नहीं डाला। इस तड़के को हम साइड पे रख देंगे, जब चटनी बिल्कुल हम पीस लेंगे ना मिक्सी में, उसके बाद ये तड़का उसमें डालना है। मैंने कोकोनट अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कट करके रखा है, ये नारियल चटनी के लिए, और मूंगफली का भी मैंने ऊपर वाला छिलका हटा दिया। अब ये दोनों मिक्सी में करके हम पीस लेंगे। और ये जो मिर्चा फ्राई किया है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, इतना ही डालना है। बीच बीच में ना थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। अच्छे से पेस्ट बन गया, बट आपको ना एक बार ऐसा थोड़ा सा उठा के देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कभी कभी कोकोनट का ना वो थोड़े बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं। सो अभी तो मैंने पूरा देख लिया, अच्छे से बन गया पेस्ट। टमाटर चटनी के लिए मैंने मिक्सी में डाल दिया, जितने भी हमने टमाटर वो फ्राई कर रहे थे ना उसमें से आधा मैंने छोड़ दिया। नारियल उसके साथ मिला के मैं मिक्सी में कर दूंगी, और उससे पहले सिर्फ नॉर्मल वाला मैं पीस के दिखा देती हूँ। इसमें सिर्फ मैंने नमक ही ऐड किया, कुछ लोग इसमें लहसुन का 3-4 पीसेस भी ऐड कर सकते हैं, वो टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। दूसरी तरह टमाटर चटनी के लिए मैंने अलग से जो रखा है ना वो मिक्सी में मैंने डाल दिया, और बाकी जो नारियल का जो छोटे छोटे पीसेस कट के ना वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें भी सिर्फ नमक ऐड करना है और कुछ भी नहीं। अगर ज़्यादा नारियल आपको ऐड नहीं करना है,
थोड़े से आप ऐड कर सकते हैं, पर इसकी भी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। डोसा और इडली के साथ ये भी बहुत बढ़िया होती है। ज्यादातर ये घर में बनता है, बाहर आपको ये वाला वैरायटी आपको दिखेगा नहीं। हमारा तीनों चटनी रेडी हो गया है। ये जो तड़का लगाया ना मैंने बाद में मूंगफली चटनी के लिए, मैंने वो तड़का इसमें ऊपर डाल दिया। आपको सिर्फ सर्व करते टाइम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है, उसकी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये टमाटर चटनी है नॉर्मल वाली, और जिसमें हमने कोकोनट ऐड किया वो ये वाला है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस जिसको कोकोनट ज्यादा अच्छा लगेगा वो इसमें भी ऐसा भी कर सकते हैं। तड़का मैंने इसी में लगाया, बाकी दोनों में नहीं लगाया। अगर किसी को जरूरत है तड़का लगाने को, दोनों में भी डाल सकते, वैसे जरूरत नहीं है। सो हमारा तीन चटनी रेडी हो गया। अभी हम डोसा इडली वड़ा बनाएंगे, वो भी दिखा देती हूँ बनाने के बाद। इडली बैटर अच्छे से ना फर्मेंटेशन हो गया, इसके अंदर ना बबल्स बबल्स दिख रहे हैं मेरे को, है ना, छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं ना। सो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ना अच्छे से आप और घुमाना है। ये नॉर्मल इडली बनाने के लिए मैंने रखा हुआ है, और ये वाला मैं थोड़ा सा इसमें ना रागी पाउडर ऐड कर दूंगी। रागी पाउडर मैंने 2 स्पून लिया है, वो इस पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। रागी मतलब पाउडर इतना हेल्दी होता है, एंड इसका टेस्ट ना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसमें भी थोड़ा सा मतलब पूरा जब मैंने मिलाया ना नमक इसमें, वहीं थोड़ा सा मैंने इस बॉल में निकाला है, उसमें थोड़ा सा 2 स्पून रागी पाउडर ऐड किया। उसको थोड़ा सा स्टिर करके मैं रेडी कर दूंगी, उसके बाद मैं इडली प्लेट्स में डाल के इडली में रख दूंगी। मैंने पाउडर को ना बैटर में डाल के अच्छे से मिला लिया, उसके बाद ये ऐसा हो गया। इसमें ना दोनों में पानी ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब ये वाला मैं इडली स्टैंड में रख दूं। इसके बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स हमें लो फ्लेम में इडली को स्टीम दिलाना है, उसके बाद हम गैस ऑफ करेंगे। डोसा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया, आपको छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं ना। सो ये विंटर सीजन में ऐसे ही होगा, ये नॉर्मल समर सीजन में आपको बहुत बड़े बड़े बबल्स आ जाते हैं। इस पे हम लास्ट जो इंग्रेडिएंट है हम जो ऐड करेंगे वो है 1 स्पून शुगर एंड सॉल्ट। हमारी इडली रेडी हो गया। ये रागी इडली है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट फ्लफी बना है, और ये नॉर्मल इडली बहुत ही सॉफ्ट है, इट्स लाइक फ्लावर्स हैं, इतना सॉफ्ट बना है। वड़ा बैटर में मैंने छोटे छोटे ऑनियन पीसेस कट करके इसमें डाला है। अगर किसी को पसंद नहीं ऑनियंस तो वैसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, बट अगर किसी को पसंद है ऑनियंस और इसमें ग्रीन मिर्ची भी छोटे छोटे कट करके डाल सकते हैं स्पाइसी खाने वाले के लिए। वड़े को अच्छे से फ्राई करना है, आप ये निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वेजिटेबल ऊतप्पम ये भी मैंने डोसा बैटर से ही बनाया। वाओ, दिस इज द फाइनल आउटपुट। सो ये डोसा मैंने ट्रायंगल शेप में ही रखा है, एंड मिक्स वेज ऊतप्पम, नॉर्मल इडली, वड़ा एंड रागी इडली, नॉर्मल टोमेटो चटनी, मूंगफली चटनी एंड टोमेटो चटनी विद कोकोनट, ये सब कुछ मैंने आपको रेसिपी आज दिखाया है। ये जो मिक्स वेज ऊतप्पम भी मैंने नॉर्मल डोसा के बैटर से ही बनाया, बस अलग से मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दिया। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और आपके कमेंट्स सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद अभी खाने का भारी है। माउथ वाटरिंग।